तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बन चुकी है T20 वर्ल्ड कप 2021 की चैंपियन टीम। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल महामुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया है और ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, खिताब अपने नाम कर लिया। जहां इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 बार ओडीआई का वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास तो रचा ही था और अब पहली बार T20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीत लिया है, एक ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप की भी अपने पास रख ली है। अब तारीफ तो यहां पर बनती है न्यूजीलैंड की टीम की भी, जिस तरह से इस टीम ने बढ़िया खेल दिखाया। शुरुआती T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ये टीम किसी की भी फेवरेट टीम नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इनके खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, काबिले तारीफ था। खासतौर पर केन विलियमसन की तारीफ होनी चाहिए यहां पर, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी को लेकर, जिस तरह से वो टीम को लेकर आगे बढ़े और लड़े और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन आज बात होगी ऑस्ट्रेलिया की, क्या खेल दिखाया इस टीम ने इस टूर्नामेंट में, एकजुट होकर खेले इनके सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, और इसी वजह से तो आज ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है इस T20 वर्ल्ड कप 2021 की चैंपियन टीम। अब इस शानदार जीत के बाद आईसीसी ने सभी टीम और खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर दी है। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को यानी कि विनर्स टीम को सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो वहीं हारने वाली टीम न्यूजीलैंड को भी काफी ज्यादा पैसे मिले, तो वहीं सेमीफाइनलिस्ट टीम पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड, इन पर भी काफी पैसे की बारिश हुई है। यही नहीं, सुपर 12 में खेलने वाली टीम इंडिया या फिर और कोई टीम, उन्हें भी काफी ज्यादा अवार्ड मिले, काफी प्राइज मिली है, करोड़ों की बारिश हुई है। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से सभी प्राइज मनी बताने और दिखाने वाले कि किस टीम को कितने करोड़ रुपए मिले हैं, तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए शानदार गिव अवे रखा है। तो बात करते हैं यहाँ पर फाइनल महामुकाबले की, तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा हाई स्कोर रख दिया है इतिहास का, जहां 20 ओवर में 172 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और ये स्कोर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा है अब तक। लेकिन फिर भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, तारीफ करनी होगी यहां पर डेविड वार्नर ओपनर बल्लेबाज का, तो वहीं मिचेल बास ने भी इस टूर्नामेंट में बढ़िया खेल दिखा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एक ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन बल्ले से भी अपना दम दिखाया है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को चेस करके फाइनल अपने नाम कर लिया है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में शुरुआत की थी, इनके बल्लेबाज या फिर गेंदबाज उतने शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हों या फिर गेंदबाज, मेन टाइम पर ही अपने खोई हुई फॉर्म को वापस पाया, अपने अच्छे फॉर्म में वापस लौटे। चाहे मैथ्यू वेड की बात करें या फिर हम बात करें डेविड वार्नर की, तो वहीं दूसरी ओर केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले कुछ सालों से क्या शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहले तो वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में पहुंची थी, हालांकि हार गई थी, रनर अप टीम रही थी, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और भारतीय टीम को हराया, और अब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, हालांकि यहां पर भी रनर अप टीम रही न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम ने प्रूफ करके दिखा दिया कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की, चाहे बात करें टेस्ट फॉर्मेट की या फिर ओडीआई या फिर T20 फॉर्मेट की। अब अगर हम बात करें सभी अवार्ड और प्राइज मनी के बारे में कि आखिर किस टीम को कितने कितने करोड़ रुपए मिले, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक है। तो गाइस, आईपीएल के बाद अब T20 वर्ल्ड कप में भी एमपीएल पर अपनी टीम बनाकर खेलने वाला हूं, जहां पर आप भी लाखों रुपए जीत सकते हैं। आप भी जल्दी से अपना टीम एमपीएल पर बना लीजिए और मेरे साथ खेलिए, और आप 1000 रुपए तक कैशबैक भी पा सकते हैं कम से कम 35 रुपए के डिपॉजिट पर। और हां, आप एमपीएल पर फ्री में खेलकर लाखों जीत सकते हैं। ये सब लोग जैसे विनर्स बने हैं, वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर्स की लिस्ट में अपना नाम बनाओ। तो जाओ जल्दी से बनाओ अपनी टीम, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया। तो बिना देरी के चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2021 के प्राइस मनी यानी कि अवार्ड के बारे में, कि आखिर किस टीम को कितने कितने करोड़ रुपए मिले। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल खत्म हो चुका है, जहां विनर्स टीम रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले 1.6 मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग भारतीय पैसे की बात करें तो लगभग 12 करोड़ रुपए हो गए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को यानी कि चैंपियन टीम को मिली है। तो वहीं T20 वर्ल्ड कप 2021 की रनर अप टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम हारने वाली टीम को मिले 8 लाख डॉलर, जो भारतीय पैसे हो गए 6 करोड़ रुपए लगभग। बात करें सेमीफाइनल्स टीम के बारे में, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान जो कि ये दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी लेकिन हार कर वहीं से बाहर हो गई थी, तो इन दो टीमों को भी भारी भरकम पैसे मिले, अवार्ड मिला है, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड इन दो सेमीफाइनल्स टीम को जो कि 4-4 लाख डॉलर मिले। यानी कि अगर हम भारतीय पैसे की बात करें तो पाकिस्तान को 3 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं इंग्लैंड की टीम को भी 3 करोड़ रुपए मिले। यही नहीं, सुपर 12 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों को जो जो टीम
सुपर 12 में खेली थी और सेमीफाइनल या फिर फाइनल में नहीं पहुंच पाई है, उन्हें भी अच्छा खासा अवार्ड मिला है, जहां सभी टीमों को सुपर 12 में खेलने वाली टीमों को $70,000 मिले हैं, जो भारतीय पैसे हो गए लगभग 52 लाख रुपए। हालांकि इसके अलावा सुपर 12 में जितने भी मुकाबले जिस टीम ने भी जीते हैं उन्हें उसका अलग से बोनस मिला है। फॉर एग्जाम्पल टीम इंडिया सुपर 12 में खेली थी, सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंच पाई, तो उन्हें तो $70,000 यानी कि लगभग 52 लाख रुपए तो मिले ही मिले हैं। साथ ही साथ टीम इंडिया ने जो 3 मुकाबले जीते हैं सुपर 12 में, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ, तो टीम इंडिया को पर मैच $40,000 मिले हैं, जो 29,73,000 हो गए। इस लिहाज से टीम इंडिया की टोटल प्राइज मनी होती है T20 वर्ल्ड कप 2021 में 1,41,000 रुपए। तब चलिए बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो गाइस आप जीत सकते हैं एप्पल वॉच या फिर विराट कोहली की साइन जर्सी। करना कुछ नहीं, भी फटाफट जाइए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक मिल जाएगा गिव अवे का, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं।